अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्या फ़ैम। उम्मीद करता हूँ सब खैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत से हूँ। पहली चीज़ तो कल की वीडियो के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी उस वीडियो पर इतना प्यार दिखाया। जॉब पर ना होती हुई भी वो मेरी लाइफ के ऊपर थी, इस वजह से मैं ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार उस पर दिखाया है। मेरी पहली वीडियो है जो 10 घंटे या 15 घंटे में वो 1K टच की है, तो इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आते हैं इस टॉपिक पर, वीडियो किस टॉपिक पर है भैया। आज ये जॉब पर है, सऊदी के लिए ये जॉब है, ट्रेलर ड्राइवर चाहिए और सैलरी वगैरह क्या है, कितने घंटे की जॉब है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो बने रहे। तो देखें, सऊदी अरब में एक कंपनी है अल हबशी करके, उनकी तरफ से ये जॉब आई है। उन्हें ट्रेलर ड्राइवर चाहिए, सऊदी लाइसेंस ज़रूरी है। तो जो सऊदी तो जिनके पास लाइसेंस है वो वाले बंदे ये वीडियो को देखें, जिनके पास नहीं है उनके लिए फ़िलहाल ये जॉब नहीं है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो में बने रह सकते हैं। तो पहली चीज़ तो बता दूं, ये सब जॉब जो आप पता कर सकते हैं वो यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप उनसे जाके कांटेक्ट करें या मुझे आके इंस्टा पे मैसेज करें। तो अब बात करते हैं कि इसकी सैलरी वगैरह क्या है। तो जो सैलरी है वो भाई आपकी 1800 रियाल, और जो जॉब टाइमिंग है वो है 8 घंटे की आपकी जॉब है। आपको हफ्ते में 6 दिन करना पड़ेगा, एक दिन आपको वीकली ऑफ मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। तो कुछ ये जॉब थी। और जो एज लिमिट है वो 26 से 40 साल के बीच में है, 26 से 40 साल का बंदा अंदर जॉब को कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि जो लोग अभी मैसेज करने वाले हैं या कमेंट करने वाले हैं कि भाई बहुत कम सैलरी है, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि यार देखो, ये जॉब उसके लिए बता रहा हूँ जो ज़रूरतमंद है, जिसको जॉब नहीं मिल रही है। और जिसको इससे अच्छी सैलरी मिल रही है भाई, तो फिर वो जाके पकड़ ले। और जिसके पास नहीं है, खाली बैठा हुआ है, कहीं से कोई सिरा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए जॉब है ना से हाँ बेहतर, ठीक है। तो जेन्युइन चीज़ है, आपका पैसा कहीं नहीं ख़राब होगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि मैं ऐसे काम करता ही नहीं हूँ जिससे बाद में मुझे फंसना पड़े। पहली चीज़ तो ये है, मेरे भाई का ऑफिस है, वो जॉब डालते हैं, वो बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये थी जॉब, और नंबर अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे आ रहा होगा या मेरा इंस्टा आ रहा होगा, उस पर आके मुझसे आप रब्ता करें, मैं भाई का नंबर, ऑफिस का नंबर वगैरह सब दे दूँगा। अब बात करते हैं इस वीडियो से हटके। तो जैसे कि कुछ दिन से क्या, बहुत दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, मतलब पहले तो कौन बड़े करोड़पति का बहुत मैसेज आता था कि आप पैसा जीत चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, वो सब तो फ्रॉड होता था। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि आज क्या हुआ कि लगातार मुझे 6 से 7 कॉलें आई, बहुत कॉलें आई, व्हाट्सएप कॉल आई। तो यार मैं चौंका, मैंने कहा ये क्या है। वो तो कहिए कि ये तब आई जब मैं ऑफलाइन था, जब मैंने ऑन किया तब देखा कॉल पड़ी हुई है, और सब जो नंबर था वो +212 करके था, +212 से नंबर थे। तो ये समझ में मुझे नहीं आया कितनी कॉल आ कैसे रही है। तो फिर क्या किया कि मैं जानने के लिए मैं गया यूट्यूब पे, जैसे ही ओपन किया फ़ौरन दलाल एंड टॉप वालों ने उस पर अपलोड किया था। तो दलाल एंड टॉप वालों ने उस पर बाकायदा पूरा बताया है कि ऐसी इस नंबर से कॉलें आ रही हैं, व्हाट्सएप कॉल आ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं। अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, कोई ऐसा स्कैम की खबर नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो लोग बताते हैं कि किस किस चक्करों में आप फंस सकते हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ वो ये है कि जब व्हाट्सएप पे कॉल आती है, ख़ास तौर से जब वीडियो कॉल आती है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप कॉल रिसीव करते हैं आपकी शक्ल तो कैमरे पे रहती है, सामने से कोई भी शख्स आता है और विदाउट कपड़ों में वो रहता है, तो क्या होता है वो आपकी वीडियो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं फ़ौरन, और फिर आपको वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ये सीन होता है। तो बहुत सारे लोग नहीं फंसते होंगे, लेकिन 100 में से कम 10 लोग तो इस चक्कर में फंस ही जाते होंगे। तो उन लोग उससे पैसा कमाते हैं। और भी तरह के फ्रॉड होंगे जो मुझे नहीं पता, उन लोगों ने भी खुल के नहीं बताया, उनको खुद नहीं पता, दलाल एंड टॉप वालों ने। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जाके उनके चैनल को वो देखें, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया इस चीज़ के बारे में। तो हो सकता हो कि आप लोगों के साथ भी हुआ हो, अगर हुआ हो तो मुझे मैसेज करें, और अगर तो कमेंट करें ज़्यादा बेहतर है, और मुझे बताएं कि इससे आगे कितनी बात आपकी बढ़ी है। मैं तो कॉल रिसीव नहीं कर पाया, रिसीव करता तो पता नहीं वो लोग क्या कहते, क्या बात होती वगैरह वगैरह। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में टॉपिक के साथ। ख्याल रखना, अस्सलाम वालेकुम।